कल्कि 2898 एक ऐसी मूवी है जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया है, और वो भी दो बार। पहली बार जब वो थिएटर्स में आई थी, और दूसरी बार जब वो ओटीटी में रिसेंटली अब रिलीज हुई है। जब वो थिएटर्स में आई थी तब मैंने भी इसको फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था, क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड था कि इंडियन सिनेमा में एक साईफाई फैंटेसी मूवी कैसी लगेगी। बहुत लोगों को पसंद आई, बहुत लोगों को नहीं पसंद आई। मुझे पर्सनली लगा कि मूवी में बहुत अप्स एंड डाउन्स थे, लेकिन ओवरऑल आई थिंक इट्स अ बिग स्टेप फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ साईफाई सिनेमा इन इंडिया। और एक सीन जो मेरे दिमाग में था मूवी को देखने के बाद, वो था ओपनिंग सीक्वेंस में जो अश्वत्थामा का लुक था, वो मेरे दिमाग में काफी टाइम तक रहा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि इन्होंने क्या किया होगा इस लुक को क्रिएट करने के लिए। क्योंकि यूजुअली डीएजिंग टेक्निक में क्या होता है कि आप एक्टर को लेते हैं, उनसे कोई सीन एक्ट करवाते हैं, उनके रिंकल्स वगैरह हटा देते हैं, और उनका फेस जो है किसी और एक्टर के फेस पे आप प्रोजेक्ट कर देते हैं, या फिर कोई और टेक्निक जिसमें आप एक्टर का फेस एज इट इज यूज कर रहे हैं। फिर मुझे याद आया कि जेमिनी मैन जो मूवी है, जो विल स्मिथ की मूवी है, उस मूवी में उन्होंने एक टेक्निक का यूज किया था जिसमें उन्होंने एंटायर 3D मॉडल बनाया था विल स्मिथ का, क्योंकि उसमें विल स्मिथ का एक डीएज्ड क्लोन होता है। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि उन्होंने ये प्रोसेस यूज किया हो, और जैसे ही थॉट मेरे दिमाग में आया, आई गॉट क्यूरियस कि क्या मैं ये प्रोसेस रिक्रिएट कर पाऊंगा अपने घर पे जैसे मैंने सोचा है। आई डोंट नो उन्होंने क्या किया एग्जैक्टली, वो भी फॉर फ्री। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मैं एटलीस्ट एट सम लेवल थोड़ा सक्सेसफुल हुआ। और जब मैंने काम स्टार्ट किया था, मुझे लगा था ये प्रोसेस काफी सिंपल होगा, इसमें सिर्फ 3 स्टेप है। जब मूवी निकली थी तभी से मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन वीडियो बनते बनते अब तो OTT वर्जन में निकल गया। सबसे पहला स्टेप, आपको अपने फेस का एक 3D स्कैन बनाना होगा। इस स्टेप के लिए जो आपको सबसे पहले चीज करनी होगी वो है अपना फेस वॉश करना। ऑयली स्किन पे लाइट रिफ्लेक्ट करती है, 3D स्कैन है वो हमारा, वो ठीक से नहीं हो पाता है। और यहाँ पे मैंने अपनी बहन की मदद से अपने फेस के लगभग 50-60 फोटोज लिए हैं, और वो 3 लेवल से, एक फोरहेड लेवल से, एक नोज लेवल से, और एक चिन लेवल से, ताकि मेरे फेस का हर एक एंगल कवर हो जाए। और उसके बाद मैंने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जिसका नाम है मशरूम। एक 3D मॉडल क्रिएट कर देगा आपके फोटोज से। और क्योंकि मैं इस रिजल्ट से ज्यादा खुश नहीं हूँ, मैंने एक और तरीका यूज किया, वो है एक ऐप को यूज करके। उस ऐप का नाम है रियलिटी स्कैन, वो भी बाय अनरियल इंजन। तो ये क्योंकि अनरियल इंजन वालों का है और हमारा काम भी अनरियल इंजन में है, मुझे लगा ये ज्यादा कंपैटिबल होगा। तो मैंने अपनी बहन की आईफोन में वो ऐप इंस्टॉल किया, और तब जाके मेरे पास एक 3D मेश आया। जैसे कि आप देख सकते हैं, कंपेयर टू मेरा फर्स्ट जो स्कैन था, बेटर दिख रहा है, लेकिन परफेक्ट नहीं है फिर भी। लेकिन मेरे जो फेशियल फीचर्स है मोस्टली, वो इसमें कवर हो गए हैं। इससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करूंगा एक फ्री सॉफ्टवेयर या ऐप से, क्योंकि हॉलीवुड वाले इतने इतने डॉलर्स लगा के जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर यूज करते हैं फेशियल स्कैन्स के लिए, वो इतनी इजीली तो रेप्लिकेट नहीं हो सकता घर पे, तो मैं उतनी आशा भी नहीं रखता। यहाँ पे मैं आपको दोनों तरीके इसलिए समझा रहा हूँ कि हो सकता है मेरे लिए जो तरीका काम नहीं किया वो शायद आपके लिए काम कर जाए, इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए जो मैंने यूज किए। और सेकंड स्टेप हो गया, आपको इस 3D स्कैन को एक मेटा ह्यूमन में कन्वर्ट करना होगा। मेटा ह्यूमन एक अनरियल इंजन की सर्विस है जिसको आप यूज करके एक रियलिस्टिक ह्यूमन का 3D मॉडल बना सकते हैं। जितना एक्यूरेट आपका 3D स्कैन होगा, उतना अच्छा आपका मेटा ह्यूमन भी होगा। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ी क्लीनिंग करेंगे, साफ सफाई करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ अपना फेस का शेप चाहिए। उसके अलावा जो भी है पूरे सीन में हम उसको डिलीट कर देंगे। और एक बार आपने साफ सफाई कर लिया स्कैन की, अब उसको एज एन FBX फाइल एक्सपोर्ट कर लीजिए। अब मेटा ह्यूमन प्लगइन जो है वो इंस्टॉल कर लीजिए, तब आप अनरियल इंजन लॉन्च करेंगे। तो ये इस 3D स्कैन को यूज करके एक मेटा ह्यूमन फेस का शेप बनाएगा। यहाँ पे आप ऊपर ए और बी पे क्लिक करके देख सकते हैं कि जो भी फेस इसने बनाया है वो एक्यूरेट है या नहीं। तो आप ऑनलाइन मेटा ह्यूमन क्रिएटर खोलेंगे, जो भी आपका अनरियल वर्जन है उसको सिलेक्ट करेंगे और मेटा ह्यूमन क्रिएटर को लॉन्च करेंगे। लॉन्च करने के बाद आपको अपनी आइडेंटिटी दिख जाएगी। यहाँ पे आप सबसे पहले चीज जो करेंगे वो है स्किन वाला ऑप्शन में जाके आपको एक स्किन टोन असाइन करना है अपने आप को। मैं अपनी फोटो खोलूंगा रेफरेंस के लिए, और उसके हिसाब से यहाँ पे अपने कलर असाइन करूंगा। उसके बाद अपने हिसाब से अपने फेस का शेप वगैरह है, अपने बाल वगैरह, अपने कपड़े वगैरह, अपने हिसाब से आप चूज कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको फिर से साइड बाय साइड रिजल्ट्स दिखा देता हूँ इसको वापस अनरियल इंजन में यूज करने के लिए। अब वहां पे नीचे कंटेंट ब्राउजर में अगर देखेंगे तो वहाँ पे ऐड बटन होगा, ऐड क्विक्सेल कंटेंट में जाएंगे, आपको लेफ्ट साइड में मेटा ह्यूमंस दिखेंगे, और उसके नीचे आपको माई मेटा ह्यूमंस दिखेंगे जो आपने अभी खुद बनाए हैं। तो अगर आप उसके ऊपर हवर करेंगे तो आपको एक ग्रीन एरो दिखेगा डाउनलोड करने के लिए, उसके बाद आप उसे अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। और तीसरा स्टेप हो गया इसको एनिमेट करना। अगर आपके पास आईफोन है तो आप अपने आईफोन में एक लाइव लिंक करके होगा ऐप, आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए, और उसके बाद अपने अनरियल इंजन का जो प्रोजेक्ट है जिसमें आप ये मेटा ह्यूमन यूज कर रहे हैं, उसके प्लगइन्स वाले सेक्शन में जाइए, वहां पे लाइव लिंक सर्च कीजिए, और लाइव लिंक कंट्रोल रिग एनेबल कीजिए। ये करने के बाद आपको अनरियल इंजन रिस्टार्ट करने बोलेगा। अपना जो मेटा ह्यूमन है साइड में उसको सेलेक्ट कीजिए, और वहां पे AR किट फेस सब्जेक्ट
या AR किट फेस सब J करके होगा, उसके अंडर आपको मेन्यू में iPhone करके मिलेगा, उसको सेलेक्ट करना है। आप नोटिस करेंगे कि आपका जो फोन है वो सक्सेसफुली आपका फेस ट्रैक कर रहा है, वो जो ट्रैकिंग जो है वो आपके मेटा ह्यूमन को एनिमेट कर रही है। ये आपके लिए छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए सही है, लेकिन अगर आप कुछ सीरियस एनिमेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए ये ज्यादा सूट नहीं करेगा, क्योंकि जो आपका फोन है और जो आपका कंप्यूटर है उसमें थोड़ा लैग होगा और साथ ही साथ इसमें थोड़ी एक्यूरेसी कम होगी। और अगर आपके पास आईफोन नहीं है, एक और सोल्यूशन जो आप ट्राई कर सकते हैं वो है NVIDIA ऑडियो टू फेस। अगर आप ऑडियो रिकॉर्ड कर लें अपना डायलॉग कुछ बोलते हुए, तो आप उस ऑडियो को यूज करके मेटा ह्यूमन को एनिमेट कर सकते हैं, इफ यू आर टेक्निकली सैवी, क्योंकि यह सॉफ्टवेयर अभी बेटा में है और काफी बग्स वगैरह हैं इसमें, तो दैट इज ऑल्सो समथिंग यू कैन ट्राई। और इसके बाद काफी दीवार पर सर पटकने के बाद, काफी सारे क्रैशेस और बग्स के बाद, ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। हेलो, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग द वीडियो। एक्चुअली अभी ये पॉपकॉर्न खाते हुए वीडियो एडिट कर रहा था, तो मैं सडनली देखा कि जो टीम है जिन्होंने VFX किया है इस मूवी के ऊपर, फायरफ्लाई क्रिएटिव स्टूडियोस, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करी 7 डेज पहले। मैंने पता नहीं अब तक कैसे नहीं देखी, VFX ब्रेकडाउन करते हुए कि उन्होंने वो लुक कैसे क्रिएट किया अश्वत्थामा का। मैंने सोचा कि उन पे एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि जो उनका प्रोसेस है और जो मैंने प्रोसेस सोचा उसमें कितना डिफरेंस है। ओके, पुराना अमिताभ बच्चन की फोटोज। तो इन्होंने 3D मॉडल बनाया बकायदा। आई थिंक मैंने कहीं देखा था कि इन्होंने 3D स्कैन किया है, उन्होंने वो यूज नहीं किया, उन्होंने सीधा एक 3D मॉडल बनाया। आई गेस उन्होंने पूरा हैंडमेड करने की कोशिश करी कि मॉडल बनाया उसको फिर हैंड एनिमेट किया। अलग अलग इटरेशंस की कौन कौन से डिजाइन ऑप्शंस अवेलेबल थे। आई फील लाइक उन्होंने वो 3D मॉडल लिया और उसके साथ एक मेटा ह्यूमन का मॉडल बनाया, क्योंकि देखने में काफी मेटा ह्यूमन टाइप लग रहा है। क्योंकि जो मैंने अभी प्रोसेस दिखाया आपको, उसमें आपने देखा होगा कि ऐसा ही कुछ लुक होता है एक मेटा ह्यूमन का, हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अभी कुछ दिखाया नहीं है अनरियल का, तो पता नहीं है एग्जैक्टली उन्होंने किया क्या। ओके, मुझे लगा था कि पूरा का पूरा शायद CG होगा, नहीं, ये एक्टर है जिन्होंने पूरे सीन्स किए हैं और इनके 3D मार्कर्स, फेस पे जो मार्कर्स हैं उनके हिसाब से फेस रिप्लेस किया है। इसका एक फायदा यह भी होता है कि क्योंकि आप एक रियल एक्टर को वहां पे कैप्चर कर रहे हैं, तो आपके पास लाइटिंग इन्फॉर्मेशन होती है कि उनके फेस पे लाइटिंग कहां से आ रही है, किस डायरेक्शन से लाइट पड़ रही है, कहां शैडोज पड़ रहे हैं, आपके पास एक एग्जैक्ट कॉपी होती है जिसकी मदद से आप 3D मॉडल है उस पर लाइटिंग ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि ये बिना लाइटिंग और लाइटिंग के साथ, क्योंकि उनके पास एक रेफरेंस है कि कहां से लाइट आ रही है, तो वो एक रेफरेंस के साथ लाइटिंग भी कर सकते हैं। जो मार्कर्स हैं उनके इनके फेस पे हैं, वो ट्रैक करने में, मूवमेंट ट्रैक करने में आसानी करते हैं। मतलब अगर मैं मूव कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पूरे स्किन का जो कलर है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, तो कभी कभी क्या होता है ट्रैकिंग में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो उसकी हेल्प करने के लिए, ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प करने के लिए हम मार्कर्स ऐड कर देते हैं कि जो मूवमेंट है वो ट्रैक करने में आसान हो जाए। देखिए, आप जब भी ग्रीन स्क्रीन के साथ काम करते हैं ना, तो लाइटिंग काफी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ग्रीन स्क्रीन पे लाइट काफी इवन होना चाहिए। जैसे कि अभी मैं जो ग्रीन स्क्रीन यूज कर रहा था इस पहले वीडियो में, उसके ऊपर लाइटिंग काफी इवन होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे मार्वल मूवीज के एक कंसिस्टेंट कंप्लेंट ये हो गई है कि उनका काफी फ्लैट लुक रहता है। उनका फ्लैट लुक इसलिए रहता है क्योंकि उनको एक इवन लाइटिंग मेंटेन करनी होती है, क्योंकि वो मोस्टली ग्रीन स्क्रीन यूज कर रहे होते हैं, तो उस केस में लाइटिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे काफी कॉन्ट्रास्ट
लाइटिंग है, इसलिए जो है जो ट्रैकिंग और कीइंग वगैरह होगी वो काफी मुश्किल होगी। तो मुझे लगता है कि उन्होंने ये जो फेशियल, ये जो एक्टर यहाँ पे लाइंस बोल रहे हैं, मुझे लगता है उन्होंने वो एनिमेशन यूज की होगी, उन्होंने वो रेफरेंस के लिए यूज की हो सकती है। ये हो सकता है कि उन्होंने बाद में मोशन कैप्चर किया हो या फिर हैंड एनिमेट किया हो फ्रेम बाय फ्रेम, जैसे कि जिमनी मैन जिसकी मैं बात कर रहा था, या तो वो किया होगा या फिर आईफोन यूज करके मोशन कैप्चर किया होगा जो हमने अभी दिखाया था लाइव लिंक को यूज करके। तो जो यंग वर्जन है अमिताभ बच्चन के, उनकी आवाज किसी और ने दी है। तो चलाओ अपना चक्र और मार तो मुझे। एक चीज आप नोटिस करेंगे कि जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो काफी फ्लैट है। उसमें क्या है कि जो माउथ है वो मूव कर रहा है डायलॉग्स बोलने के लिए, लेकिन जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जो नोज के ऊपर का पार्ट है, वो काफ़ी हद तक फ्रीज, ऑलमोस्ट फ्रीज किया हुआ है कि वही सेम एक्सप्रेशन मेंटेन हो रहा है, जिसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि उन्होंने भी वही मेथड यूज़ किया जो अभी मैं दिखा रहा था, हो सकता है जहाँ तक मेरा गेस है। क्योंकि उसमें भी अभी आपने देखा होगा जो रिजल्ट मैंने दिखाया था, उसमें भी जो माउथ की मूवमेंट होती है वो काफ़ी हद तक कैप्चर हो जाती है, लेकिन जो आइज वगैरह होते हैं अपर पार्ट होता है, जो माइनर मूवमेंट्स होती हैं मसल्स की, वो काफ़ी मुश्किल होती है मैच करने। जैसे मैं जेमिनी मैन का एग्जांपल दे रहा था, उसमें वेटा एफएक्स वालों ने काम किया था, उन्होंने फ्रेम बाय फ्रेम जाकर हर सटल मूवमेंट मैच करने की कोशिश करी थी। तो अगर आप इसका अगर ब्रेकडाउन में देखेंगे तो कहा गया, ये देखिए जो एक्सप्रेशन है, उन्होंने मोशन कैप्चर तो लिया ही, मोशन कैप्चर एज ए रेफरेंस लेके उन्होंने प्राइमरी एनिमेशन कर ली, लेकिन उसके बाद वो बाई हैंड हर फ्रेम बाय फ्रेम जाके हर एक्सप्रेशन को ट्वीक कर रहे हैं कि कौन सी मसल कहाँ मूव कर रही है, लिप की प्लेसमेंट क्या है, चीक की प्लेसमेंट क्या है, फ्रेम बाय फ्रेम वो मैच करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो रिंकल्स हैं जब वो ऐसे आईब्रोज मूव होती हैं, वो मसल्स की मूवमेंट कैसी होती है, ईयर्स की प्लेसमेंट क्या है, वगैरह वगैरह। एंड हियर मुझे नहीं लगता कि उन्होंने वो प्रोसेस किया है, उन्होंने बेसिक मोशन कैप्चर किया है, तो उसके हिसाब से जो रिजल्ट है आपको दिख रहा है। मैं आई एम नॉट ब्लेमिंग द स्टूडियो बाय द वे, ठीक है, क्योंकि एक मूवी के पीछे टाइमलाइन होती है, एक बजट कंस्ट्रेंट होता है, तो उसके हिसाब से आई थिंक दे हैव डन अ रियली अमेजिंग जॉब। एंड फाइनली मैटर ये करता है कि मूवी में क्या वो अपना पार्ट निभा पा रही है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दैट इज वॉट मैटर्स। मूवी में उसका पार्ट जो भी है उस एनिमेशन का, उस VFX CG पार्ट का, अगर वो पार्ट वो फुलफिल कर लेती है तो इट इज सक्सेसफुल, एंड आई फील लाइक दिस वॉज सक्सेसफुल। इसमें एनिमेशन के बारे में कुछ नहीं दिखाया, मैंने बस मॉडल दिखाया फॉर रेफरेंस, लेयर्स दिखाए जो भी थे, लेकिन आई विश उन्हें दिखाया होता कि उन्होंने वो मॉडल कैसे बनाया एंड वो एनिमेट कैसे किया, क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम स्टिल नॉट श्योर कि उन्होंने क्या प्रोसेस फॉलो किया। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखेंगे, उन्होंने ऐसे दिखाया है कि प्रॉपर प्रोसेस उन्होंने फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेट किया, क्या किया वगैरह वगैरह। आई थिंक दिस इज देयर इंटरनल सॉफ्टवेयर जो भी है जो एनिमेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड। ये जो बड़े बड़े VFX कंपनीज होती हैं, उनके खुद के सॉफ्टवेयर होते हैं जो बाहर के लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। इसमें एक बार देख लेते हैं, अच्छा शायद कुछ दिखे। आई एम लुकिंग फॉर अश्वथामा रिलेटेड सीन्स, बाकी VFX में अपने आप देख लूँ। ओह ये रहा, तो उनके पास 3D स्कैन था, तो शायद उन्होंने 3D स्कैन के हेल्प से ही बनाया हो, या फिर पता नहीं एग्जैक्टली कोई इन डेप्थ ब्रेकडाउन नहीं है हमारे पास बेसिकली।